नागरिकता संशोधन आईन बा सीएएर कार्यकारिता उपरे रोक लगाइबा को सफा सफा मना कर दिछंती सुप्रीम कोर्ट तेबे तीनी सप्ताह मध्ये उत्तर रखबा पई सरकार को सर्वोच्च अदालत निर्देश दैछंती सीएए को नै सुप्रीम कोर्ट रे प्राय 237 टी पिटीशन दाखल होतला आवेदनकारी को मध्ये केरल राज्य सरकार भी रहछंती सुप्रीम कोर्ट रे एही आवेदन उपरे सुनानी आरंभ होछि जवाब दाखल पई सरकार को अप्रैल 8 तारीख पर्यंत अर्थात 3 सप्ताह समय दिया जायछि एही मामलार परवर्ती सुनानी अप्रैल 9 रहबो सुनानी समय केन्द्र सरकार को पक्षरु सॉलिसिटर जनरल जवाब देबा पई 4 सप्ताह समय मांगिथिले मध्य सर्वोच्च न्यायालय तांको मात्र 3 सप्ताह समय देथिले सरकार गत सप्ताह रे एही आईन संपर्क रे विज्ञप्ति जारी करथिले So the matters regarding challenging the constitutionality of CAA and seeking stay on the rules that have been recently promulgated was listed today. The Supreme Court has given time until 9th April to the Union of India to file reply to those applications. On 9th April, the court will hear the matter on the stay and will decide whether the stay should be granted or not. जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।